अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से? एक और नए व्लॉग के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। हम इस वक्त आए हैं इब्राहिम हैदरी। अच्छा इब्राहिम हैदरी, हम आए किस लिए? इब्राहिम हैदरी हम आए इसलिए कि यहाँ पर जो है वो एक हैदरी स्पोर्ट्स फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह किया जा रहा है, जो कि इब्राहिम हैदरी की आवाम के लिए एक खुशाइंद अमल है और बहुत अच्छी ये बात है। आपको इस ग्राउंड का हम विजिट करवाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से इस ग्राउंड को बनाया गया है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। आ जाओ शाहिद भाई। ओके जी, ये है वो फुटबॉल ग्राउंड जो कि यहाँ पर बनाया गया है। अब आपको इस पूरे फुटबॉल ग्राउंड को हम विजिट करवाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? खैरियत से? सब ठीक है सर? कैसे हैं आप? बस दुआएं आपकी। ये बताएं, फुटबॉल ग्राउंड जो है वो तैयार कर दिया गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और काफी, मतलब मैं और जगह विजिट कर चुका हूँ, ये ग्राउंड बहुत अच्छा है। अच्छा, इसकी आप वॉशरूम देख लें, यहाँ का निज़ाम वगैरह देख लें, अच्छा है। सीटिंग का एरिया अच्छा है, डस्टबिन है यहाँ और कुर्सियाँ वगैरह हैं, बहुत अच्छा है निज़ाम। तो मतलब ये है कि इब्राहिम हैदरी की आवाम को बहुत अच्छी चीज़, अच्छा माहौल मिल गया खेलने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सीखने के लिए और खेलने के लिए बहुत अच्छी इनको चीज़ मिली। चले दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं। ओके जी, ओके जी, ये है सिटिंग एरिया। यहाँ से आप ऊपर जाके, अभी तो ये गेट बंद है तो हम इधर से जाएंगे, सही है? यहाँ से जाते हैं ऊपर की तरफ और ये सिटिंग एरिया आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप जो है वो इंजॉय कर सकते हैं फुटबॉल मैच को। ये सारा सिटिंग एरिया बनाया गया, ये स्टेयर्स हैं यहाँ पे, बड़ा खूबसूरत लग रहा है यार ये ग्राउंड, माशाल्लाह से घास वास लगा के और जो है वो फ्लड लाइट्स वगैरह लगा के इसको बनाया है, तो बहुत ज़बरदस्त है ये। पीछे देखें आप, वो वहाँ पे सारा समंदर का व्यू है। थोड़ा सा लेके चलते हैं आपको, समझे ना, आगे आपको लेके चलते हैं। व्यू बहुत खूबसूरत है, यहाँ से आप देखें तो आपको यहाँ से समंदर भी नज़र आएगा, तो लेके चलते हैं आपको। अब मुर्तजा वहाब साहब ने भी यहाँ पर आना है इसका ग्राउंड का इफ्तिताह करने के लिए, वो भी दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ से ये समंदर नज़र आ रहा है और बड़ा खूबसूरत सा इसका ये व्यू है। यहाँ पे कुछ सारा ग्राउंड इन्होंने बनाया है, ये पीछे इब्राहिम हैदरी का पूरा एरिया है और ये फ्लड लाइट्स वगैरह लगी हुई है, सही है ना? तो ये है कि इब्राहिम हैदरी की आवाम के लिए एक बहुत अच्छा जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से, या यूँ कह लूँ कि फ़ुटबॉल के हवाले से बहुत बेहतरीन जो है वो उनको एक मौका फराहम किया गया है। यहाँ पे ये फुटबॉल सीखेंगे भी और फुटबॉल खेलेंगे भी, समझे? यहाँ से ही नीचे जाने का एरिया है सारा, ये सारा नीचे जाने का एरिया। यहाँ से आप जो है वो आगे पीछे गालिबन यहाँ से ग्राउंड में आप निकल सकते हैं, ये नीचे का एरिया है। इस तरफ ये मेरे ख्याल से वॉशरूम्स वगैरह बनाए हैं, वॉशरूम्स वगैरह हैं, बड़ा बेहतरीन सिस्टम नज़र आ रहा है यहाँ पे मुझे। ओवरऑल ये है कि बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे, ये वो नेट्स लगाई हुई हैं फुटबॉल के लिए और बस मुर्तजा वहाब साहब भी आ गए हैं शायद, तो चलिए आपको मुर्तजा वहाब साहब की तरफ लेके चलते हैं, दिखाते हैं। वो गालिबन विज़िट कर रहे हैं मुर्तजा वहाब साहब, ये उनकी गाड़ी है यहाँ पे ये खड़े हुए, चलिए आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे लोग जो है वो बड़ा ये भुट्टो बना रहे लगा रहे हैं, मेयर कराची साहब आ गए हैं, ठीक है जी, मेयर कराची साहब आ गए,
कुछ नहीं आ रहा, अरे कैमरामैन खड़े हमको नजर ही नहीं आ रहा, बस और ही रहो सारे कैमरामैन खड़े। ये इन्होंने इफ्तिताह किया है इसका, ये देखिए आप तो दिखाते हैं। बुला लो कर दिया भाई, दोबारा खुलवाओ यार, पता ही नहीं चला। आगे चलो, पता ही नहीं चला। मेयर साहब ने यहाँ से आगे, अब चले गए आप साहब, देखो पूरा इसका हॉल का विजिट कर रहे हैं, समझे ना। ये हॉल का विजिट कर रहे हैं, देखते हैं ग्राउंड का विजिट कर रहे हूँ। एक है घास भी सही है, समझे ना। चलते हैं जरा आगे और दिखाते हैं आपको मुर्तजा बाप साहब का विजिट, जो ये विजिट कर रहे हैं। ये देखें, ये नेट लगाया हुआ है, ये गोलकीपर यहाँ खड़े होकर गोल बचाएगा भाई यहाँ गोल बचाएगा, समझे ना। ये एक बेहतरीन है, यहाँ पे भी जा रहे हैं भाई। जगह दे दो, जगह दे दो भाई, जगह दे दो, कैसा लगाई को जगह दे दो हमारे। ये सारा विजिट कर रहे हैं, ये देखें ये मशीन लगी है घास काटने वाली, घास रूट को सेट करती है। ओके विजिट हो गया, सही है सही है। ये भाई मेयर साहब विजिट कर रहे हैं। फोटो ले ये बताओ कि ये इब्राहिम हैदरी की आवाम के लिए एक फुटबॉल ग्राउंड का अवस्था किया गया, क्या कहोगे तुम। मैं तो शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रेजर मुर्तजा वहाब साहब का, और हमारे जो बोर्ड के एमपीए महमूद आलम जामोट, और हमारे जो जाने आलम जामोट, जिनकी मेहनत से हमारा ये ग्राउंड पहले बहुत बिल्कुल बंजर था, बिल्कुल ख़राब हो गया था, उसके बाद इनकी मेहरबानी के इन्होंने हमें बना के दिया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि अब हमें एक अच्छा माहौल मिल गया कि हम इस इंशाल्लाह ताला अब इस ग्रास में इस इतने अच्छे हमारे स्टेडियम के अंदर हम लोग दोबारा से फुटबॉल खेलेंगे। अच्छा, कराची में ऐसे बहुत सारे ग्राउंड हैं और ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेज हैं जो कि तबाही का शिकार हुए, उनके लिए क्या कहेंगे और सबसे क्या गुजारिश करेंगे कि उनको भी फाल करें, क्या करें। मैं तो यही कहूँगा मुर्तजा वहाब साहब से कि इंशाल्लाह जैसे आपने
ये हमारे फुटबॉल को ग्राउंड को हैदरी स्पोर्ट फुटबॉल ग्राउंड को आपने जो हरा भरा बनाया, इंशाल्लाह ताला कोशिश करें कि ऐसे ही जितनी भी यहाँ कराची में है, मलिर में है, लियारी में है, जितनी भी ग्राउंड है इंशाल्लाह इतना ही खूबसूरत बनाएं ताकि हम लोग दोबारा फुटबॉल अच्छा खेल सकें। जी मैं खेलता हूँ हैदरी स्पोर्ट फुटबॉल। जी तो दोस्तों आपने हमारे साथ विजिट किया इस फुटबॉल ग्राउंड का, इब्राहिम हैदरी के इलाके में ये फुटबॉल ग्राउंड जो है वो बनाया गया है और इब्राहिम हैदरी की आवाम के लिए एक बड़ा खुशाइंदा अमल है और सबसे ज़्यादा खुशाइंदा अमल उनके लिए है जो यहाँ पर जो है फुटबॉल खेलने वाले लड़के हैं। जैसे हमने हमारी आप जैसे हमने बात करवाई एक फुटबॉलर से जो कि यहाँ पर फुटबॉल खेलते थे, वो काफ़ी खुश थे कि यहाँ पर जो है वो इस फुटबॉल ग्राउंड का जो इफ्तिताह किया गया है। पहले काफ़ी खस्ता हाल था लेकिन अब इसे दोबारा बना दिया गया है। तो ये है कि भाई मुझे तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो ग्राउंड लगा है और जो है वो लोगों को बड़ा अच्छा माहौल मुयस्सर आएगा फुटबॉल खेलने के लिए। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।